जून से सितंबर तक 18,000 टन पैदा हुआ कोरोना कचरा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। दिशा सालियान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की स्थगित। डीआरडीओ ने कहा कि निर्भया सब सोनिक क्रूज मिसाइल के उड़ान परीक्षण के दौरान आई खामी। कोलकाता के एक प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, दमकल विभाग की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद। भाजपा में शामिल होने पर बोली खुशबू सुंदर, पीएम मोदी के नेतृत्व से हूँ प्रभावित। महाराष्ट्र में शर्मसार हुई इंसानियत, किशोरी के साथ पिता और प्रेमी ने किया दुष्कर्म, गिरफ्त में आरोपी। चीन से तनातनी के बीच लद्दाख समेत 7 राज्यों में 44 पुलों का रक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। यौन अपराधों के खिलाफ ट्रांसजेंडर समुदाय को मिले समान सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों पर 4 हफ्तों में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों के हलाल वध पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को किया खारिज। नोबेल प्राइज 2020 के लिए पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल। यूपी के आजमगढ़ में दिन दहाड़े 3 युवकों पर चाकू से हमला, 2 की मौत 1 घायल। त्योहारों से पहले सरकार का तोहफा, कर्मचारियों को मिलेगा 10,000 रुपए का फेस्टिवल एडवांस। कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल पर शिवराज का पलटवार, हाँ मैं भूखे नंगे परिवार से हूँ। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ टीम पर हमला करने वाला सैफुल्ला ढेर, मारा गया एक और साथी। यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,161 की सूची जारी, 16 अक्टूबर को मिलेगा नियुक्ति पत्र। स्टार प्रचारकों की सूची से गायब रूडी बोले, पार्टी में मुझे विधायक के स्तर का भी नहीं समझा गया। बिना ब्याज राज्यों के लिए 50 साल का लोन, हिमाचल उत्तराखंड के हिस्से में 900 करोड़। राहुल गांधी ने कहा हाथरस घटना में सरकार पीड़ित परिवार की मदद के बजाय अपराधियों को बचा रही है। बीजेपी ने कहा फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं। बीजेपी ने कहा चीन की मानसिकता को सही ठहरा रहे हैं फारूक। राहुल गांधी ने कहा हाथरस घटना में सरकार का रवैया अमानवीय और अनैतिक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बोले 16 अक्टूबर को आएगा नीट का रिजल्ट। नेहा के बाद आदित्य का ऐलान, गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल संग करेंगे शादी।